वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ना एक ह्यूज मीसो एंड फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा हॉल होने वाला है। इसमें आपको मैं वैरायटीज ऑफ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी और आपको जो पसंद आएगा ना आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसे मैंने ग्रेट इंडियन सेल में और बिग बिलियन डेज में लिया था। तो ये जो है ना प्राइस बहुत कम है अभी तो, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं दूंगी उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब प्राइस अप हो जाए। तो इसे मैंने लिया था बिग बिलियन डे में। तो चलिए आपके साथ में सारा शेयर करती हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी जो मुझे रिसीव हो चुका है, उसका भी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने अभी करूँगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं ना जो मैंने ऑर्डर किया था लेकिन अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो जब वो मुझे रिसीव होगा मैं उसका भी हॉल जल्दी ही लाऊंगी। और आपको थोड़ा भी मेरा ये वीडियो पसंद आएगा ना तो प्लीज लाइक शेयर। तो ओके गाइस, आप देख लो मेरे पास कितने सारे मतलब पार्सल है। मैं सब आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाऊंगी और आपको क्वालिटी भी बताऊंगी कि मुझे कैसा रिसीव हुआ था, मैंने किस प्राइस रेंज में इसे ऑर्डर किया था। वो सब डिटेल वीडियो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट एंड लास्ट तक आप इसे जरूर देखिएगा हॉल वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी इस पार्सल से। मैं आपके सामने इसे अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारे आपको मेकअप प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे और बहुत सारी मतलब यूज़फुल जो भी चीज़ें होती हैं मैंने ऑर्डर किया था। तो चलिए इसका चीर फाड़ करके अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ऑर्डर किया था हाइड्रा सीरम। आपको कैमरा में उल्टा दिख सकता है, ये मैंने स्विस ब्यूटी का लिया था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई और पैकेजिंग आपने देखा ही है कि इससे ये कार्डबोर्ड में मुझे रिसीव हुआ था। तो ये देखिए, मैंने इसे ऑर्डर किया था। आई पैच है ये, इसमें आपको एक स्पैचुला मिल जाता है जिससे आप इसे निकाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे 60 पीस ऑफ आई पैचेस मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, मैं मेंशन कर दूंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्राइस रेंज में ये आपको अभी। नेक्स्ट है ये पार्सल, तो इसे भी चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। इन सबको मैंने पहले भी अनबॉक्स कर दिया था, उसका शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पे डाल दूंगी जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि मैं ये ओपन बॉक्स कैसे आया था। दूसरा मैंने लिया था ये मेसलर वाटर जो कि है गार्नियर का, और ये मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे मैंने लिया था और इसका प्राइस सब मैं मेंशन कर दूंगी आपको यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगी कि मैंने किस पर कितने में इसे ऑर्डर किया था। नेक्स्ट है ये बड़ा सा पार्सल, चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। इस हॉल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़फुल आप डेली यूज़ में लेते हैं। तो मे भी हो सकता है कि प्राइस अब फ्लक्चुएट हो जाए। ये मैंने ठंडी के लिए लिया था एक वाव का बॉडी लोशन, ये दो का कॉम्बो मैंने लिया था। ये देखिए, मैंने दो कॉम्बो लिया था और बहुत अच्छे डील में मुझे फ्लिपकार्ट से ये मिल गया तो मैंने इसे ग्रैप अप कर लिया। और नेक्स्ट पार्सल ये है, और इसमें मैंने लिया था एक डीप मॉइस्चराइजर बॉडी वॉश है ये जो कि है डव का, और इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे 550, बट मुझे बहुत अच्छे डील में मिल गया था फ्लिपकार्ट से तो मैंने नेक्स्ट ये ऑर्डर किया था और ये मुझे रिसीव हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही है ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दूसरा है ये हेयर फॉल शैम्पू है जो कि डव का ही है, और मैंने इसकी क्वांटिटी 1 लीटर है और ये है आपको अराउंड 1200 का है, बट ये बहुत अच्छे डील में दोनों मुझे मिल गया था। वाओ, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। ओके, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक पैंट ऑर्डर किया था और इसे मैंने अनबॉक्स करके रख दिया। इसका शॉर्ट्स भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी कि पहनने पर कैसा लगता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी कि ये पहनने पर कैसा लुक देता है। तो ये उनके ब्रांड का है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मुझे कितने सस्ते में रिसीव हो गया था। ये देखिए, ये पैंट का यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है और साथ में यहाँ पे जिप मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है इनकी। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, आप देखिए बहुत अच्छा फ्लेयर है इसका। मैंने इसका ब्राउन कलर लिया था और इसके बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया था। मीशो अमेजोन हर जगह ये अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ये बहुत अच्छी डील थी, अराउंड मुझे ये 150 का मिला था और अभी इसकी प्राइस थोड़ी अप हो गई है गाइस, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ ये पार्सल, और इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था। तो ओके, इसमें है आपका डव का हेयर सीरम करके कंडीशनर है जो कि डव का है, और इसी पैकेट में मुझे सेम रिसीव हुआ वाओ का हेयर फॉल वाला ऑयल है ये। ये देखिए, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने अप्रॉक्स एक बॉटल तो ख़त्म कर ही लिया है, इसलिए मैंने इसे रीपर्चेज किया है। और डव का तो मतलब अच्छा होता ही है, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए हेयर में तो आप ये ले सकते हैं।
नेक्स्ट मेरा परचेज है ये। इसमें मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा कि स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट से ज़्यादा हैं, और हाँ मैंने हेयर केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट ज़्यादा मंगाए थे। तो नेक्स्ट है ये ऑर्डर, मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था। ओके, ये अमेज़ॉन का है, ये आपको मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया था, तो चलिए आपके सामने आपको अनबॉक्स करती हूँ इसे। ओके, तो ये वन प्लस आर है, और इसका तो मैं डिटेल वीडियो अलग किसी वीडियो में अपलोड करूँगी। ये वन प्लस की तरफ से वन प्लस आर है, ये देखिए 11R है ये। और साथ में मैंने लिया था ये आपका हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, जो बी ब्लंड का है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये बहुत महंगा मिलता है, बट अभी इस डील में ना मुझे बहुत कम प्राइस में ही मिल गया। तो ये 400 का प्राइसिंग है इसका, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आप एक बार मेरे कहने पे इसे यूज़ कीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये मैंने पिलग्रिम्स का लिया था, और जो कि फ्लिपकार्ट से लिया था। मैंने बहुत सारा, यार मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब इतना सारा बॉडी केयर एंड फेस एंड स्किन केयर मैंने इतना कब ले लिया। ये पिलग्रिम्स का है, आपको ये है आपका, ओके ये है हेयर ग्रोथ सीरम है। अगर मैं मेरा सच में आप देख लो, मेरे हेयर बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है। अभी मेरी वो बॉटल ख़त्म हो गई थी, और बिलियन डे में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। ये देखिए, ये पिलग्रिम्स का है, और इसका भी फुल डिटेल वीडियो मैं जल्दी दूंगी। आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हो, मतलब ये बहुत लाइट वेट होता है, आप रोज़ यूज़ कर सकते हो रात में सोते टाइम। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सुबह उठ के बाल धुलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप रोज़ इसे यूज़ कर सकते हो, वाटरी टेक्स्चर है इस सीरम का। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे ओपन बॉक्स में मिली थी, तो वो चीज़ें तो ओपन हैं, बट जो चीज़ें मुझे ओपन बॉक्स में नहीं मिली थी, अभी मैंने खोल के भी नहीं देखा था। ओके, ये है एक फूट क्रीम है, ये देखिए मैंने इसे फूट क्रीम लिया था, क्योंकि ठंडियों में ना हमारी जो फूट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इची सा हो जाता है, रफ सा हो जाता है, तो उसके लिए मैंने फूट क्रीम लिया था। ये है मोहा का फूट क्रीम है, और ये मेरा फर्स्ट परचेज ही है। मैं इसे यूज़ करके इसका क्या बेनिफिट है और कैसे ये काम करता है आपके पैरों के लिए, उसका अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं। मैं उसका वीडियो भी एक महीने बाद यूज़ करने के बाद इसका वीडियो आपको डाल दूँगी। ये मोहा का है, और इसकी प्राइसिंग वगैरह सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये है आपका, ये है निविया का फेस फ्रेश कंफर्ट, ये आपको मिल जाता है, डीओ है, मैंने अपने लिए लिया था। इसमें लिखा है पाउडर कंट्रोल करने के लिए, मैंने ये निविया का प्रोडक्ट लिया था। अगर आपको स्किन केयर करना पसंद है तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, ये सारा मैंने यूज़ किया और उसकी क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी है। नेक्स्ट परचेज मेरा था, ओके ये है, मैंने बोला ना पिलग्रिम्स के आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पिलग्रिम का आपको जहाँ भी देखेंगे ना आपको वीडियो मिल जाएगा। पिलग्रिम सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है हेयर के लिए। तो मैंने ये पिलग्रिम का टोनर लिया है, ये पिलग्रिम्स के दो टोनर हैं, मुझे दिखा तो मैंने ये ले लिया है। और ठंडी में तो नहीं ली, गर्मियों में टोनर का बहुत यूज़ होता है, तो ये अच्छे डील में मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। ये पिलग्रिम्स का है, देख लीजिए आप, ये पिलग्रिम्स का टोनर है, बहुत अच्छी क्वालिटी। जो भी चीज़ें मैंने ली हूँ ना, उसके सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके, मैंने एक पाउडर लिया था, एक यार्डले का। ओके, तो ये यार्डले का पाउडर है, ये देखिए, ये यार्डले का पाउडर है। बेसिक सी चीज़ें मैंने ली थी जो डेली यूज़ में हम करते हैं और जिसकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी चीज़ें मैंने। नेक्स्ट परचेज है ये, और ये एक इकलौता पार्सल है जो कि मैंने मीशो से लिया था, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ओके, तो ये है, आप देख लो, ये पफ है आपका, मेकअप रिमूवर पफ है ये। ये बहुत अच्छा काम करता है, मेरा जो पहले वाला पफ था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे मंगा लिया, और ये मैंने लिया है मीशो से, और बहुत सस्ते में मुझे ये मिल गया था। तो देखिए, क्लीन स्पॉन्ज लिखा हुआ है, इसमें आपको तीन मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस में, और इसकी बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इससे भी ले सकते हैं। अब मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ ये इतना बड़ा पार्सल, जो कि है टेकवुड का, और इसे मैंने लिया था मिंत्रा से। या मैंने मिंत्रा से इसे लिया था, मैं मेरे इतने सारे फ्लिपकार्ट के पार्सल हो गए थे ना कि मैं भूल गई थी कि मैं ये कहाँ से ली हूँ। तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं, चलिए इसे निकालते हैं। ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये है वो पार्सल, इतना बड़ा सा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये मैंने एक ट्रॉली बैग लिया था, ये देखिए टेकवुड का है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी। चलिए इसमें ओपन करके दिखा रही हूँ, इसकी प्राइस वगैरह जो भी डिटेल है, अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो मैं आपको अपने चैनल पे डाल दूँगी।
अगर आपको ये हॉल वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी मंगवाई हैं और भी फ्लिपकार्ट से, वो जल्द ही रिसीव हो जाएगा। तो जब वो चीज़ें रिसीव हो जाएंगी ना तो मैं वो उसका भी हॉल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल से और बिग बिलियन डे से लिया था, तो अभी थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा होगा, तो मैं सारे के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है ना तो आप ले सकते हो। एंड प्लीज़ ग्रेटिट्यूड फील कराने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।